हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है भाई सेटअप सेटअप कॉस्ट क्या होगी, या वो सेटअप लगाना चाहते हैं तो कैसे करें। भाई सेटअप तो बिल्कुल सिंपल है। सेटअप का मान लीजिए ऐसा है कि 100% में 5%। सेटअप इतनी भारी चीज़ नहीं है। सेटअप को चलाना, सेटअप को समझना, सेटअप के साथ साथ मार्केट को पहचानना और मार्केट के साथ साथ अपना प्रोडक्ट में जान लेके आना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाना, ये चीज़ मैटर करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें पे थोड़ा थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, और जिस भाई को भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है और रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेटअप। सेटअप कॉस्ट भाई बिल्कुल आसान है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको चार मशीनें खरीदनी पड़ेगी। एक सिंगल निडिल जो सिंगल की तरह काम करती है, ओवरलॉक बनाती हुई चलती है, आप प्लेट लॉक, ठीक है, उसके बाद आ जाती है कंसाई। ये चारों मशीनें आपको, बल्कि सिंगल मशीन आप डबल कर लीजिए तो ये सब मशीनें आपको मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए में। यानी कि 1.5 लाख में आपका स्टार्टअप हो गया, और स्टार्टअप होने के साथ साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी हो गया। इसके बाद आती है सबसे बड़ी बात, जो आपको कॉस्ट, जो मेन कॉस्ट होती है वो यहाँ नहीं होती। मैं बहुत सारे से कह चुका हूँ, जो चीज़ हम सोचते हैं वो वहाँ पर नहीं होता, इतने आसान सामने से नहीं होता, इसके जितना पीछे होता है। इसके पीछे मल्टीप्लाई कर लें, आपको 4 गुना कॉस्ट रखनी पड़ती है। 1.5 लाख का 4 गुना हो जाता है 6 लाख। 6 लाख रुपए आपको पीछे की तरफ रखने पड़ेंगे। पीछे की तरफ रखने का मतलब ये हो गया, जब आप डिज़ाइन बना के तैयार रखें, क्योंकि आपके पास सभी डिज़ाइन होने चाहिए, सभी तरीके का, 4 वे का, 2 वे का, NS का और ताइवान का। थोड़ा थोड़ा भी स्टॉक आप बना के रखते हैं तो 50-50 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपको सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले को बेचने से पहले दिखाना ज़रूरी है कि ये चीज़ मेरे पास है। तो ये चीज़ कॉस्ट आ जाती है, ये आपके पास हर वक्त रेडी होना चाहिए, 2 लाख रुपए का स्टॉक, ठीक है। तो यही कॉस्ट मेन थी। इसके साथ साथ आपको इतना ही अमाउंट सिलाई के लिए चाहिए, और इतना ही आपको पीछे से बैकअप के लिए चाहिए होता है। जो भी आदमी कुछ नया डिज़ाइन मांगता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांगता है, तो आप उसका बना के दे दें। तो इस तरीके से आपको कम से कम 5 लाख रुपये पीछे की तरफ रखना पड़ता है। और इसको बिजनेस की तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, बिजनेस के साथ साथ सेटअप को चलाना, ठीक है। बिजनेस बहुत टिपिकल सा हो जाता है, जब हम किसी के पास लेके जाते हैं तो जितने भी मार्केट है इस टाइप की, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है वो होलसेलर को देता है, वो होलसेलर 100% कुछ ना कुछ अमाउंट रोकता है, या उधार में काम करता है, या नेक्स्ट पेमेंट दे, एक पेमेंट रोक के चलता है। जो भी भाई स्टार्ट कर रहे हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, उनके पास अमाउंट है तो ले सकते हैं, इसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1.5 लाख तो सेटअप हो गया, उसके साथ साथ आपको 6 लाख रुपया कम से कम मार्केट के लिए चाहिए। कोई ऐसा दुकानदार नहीं है, सिंगल दुकानदार अभी तक मुझे नहीं मिला। वैसे तो मैं करता ही नहीं, मैं तो ऑनलाइन पे आ गया हूँ, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशन से मिल जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक देखा है कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं है जो सामने वाले से, मैन्युफैक्चर से उधार में काम ना करता हो। तो उधार के लिए भी आपको अच्छा अमाउंट रखना पड़ेगा। वो उधार कभी भी एक टाइम से मिल जाता है, कभी विदाउट टाइम से मिलता है। तो इसलिए कम से कम 6 लाख आपको बैकअप रखना पड़ेगा, तभी इस काम को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं आपको, आपको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से चालाकी से काम करना है, वो मैं आपको समझा देता हूं। और कई बार होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मुझे एकदम 1800 पीस का ऑर्डर आ चुका था। तो वो भाई दिल्ली से थे, मैंने उनको बोला ठीक है मैं लेके पहुँचूंगा। GST की भी बात हो गई, ईबे बिल की भी बात हो गई, ठीक है। 1800 पीस की एकदम से किसी ने रिक्वायरमेंट थी, उस टाइम पर मेरे पास 1500 ही पीस बन के रेडी था, ठीक है। तो मैं बार बार ये ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पे रिस्क कितना था, प्रॉफिट कितना था, ठीक है। तो मैं इन दोनों चीज़ को कैलकुलेट उस टाइम पे नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो जब इतना बड़ा ऑर्डर मेरे पास आया तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हुआ, ये भी सोचा कि भाई सामने वाले ने मेरा माल चेक नहीं किया, फोटो पे ही देखा और पसंद कर लिया। क्योंकि इस टाइप की बहुत कहानियाँ मैं सुन चुका था, लोग बुला लेते हैं दुकान पर, माल पहुँच जाता है, बोलते हैं कि GST बाद में लेना, या आधा अमाउंट लेना, या आधा बाद में लेना, बहुत सारे इशू इकट्ठे क्रिएट कर देते हैं, या बोलते हैं कि अभी केस खत्म हो गया कल ले लेना, उनका कल कभी नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैं वहाँ, मैंने उस भाई को बोला भाई 2 दिन बाद मिलेगा, मैं भी स्टॉक पूरा नहीं है, मैं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन बाद देना। फिर मैं थोड़ा सोचता रहा, 50 लोगों से पूछा कि भाई जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई लोगों ने राय दी किसी और को भी साथ ले जाओ अगर वो मना करे, कई लोगों ने कुछ किया, ठीक है। फिर मैंने फाइनली अपना एक डिसीजन बनाया, मैंने उसको बोला भाई अगर आपको लेना है तो दिल्ली में मेरी जहाँ बस रुकती है वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर डील कर लेंगे। आपको कोई लेना है तो ठीक, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। इस बात से वो भाई चिढ़ गया, बोला सीधे सीधे कि मैं नहीं लूँगा, आना तो दुकान पे आते हैं लोग, दुकान पे तो आते हैं, ठीक है आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैंने इतनी कहानी सुन रखी है, दुकान पे ही जाके लोग बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ पे गए,
वो चार कमियां निकालेगा, बोलेगा जीएसटी बाद में लेना या चेक में लेना, बहुत सारे इशू, चेक भी आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये मार्केट है, ये बहुत सारा यहाँ फ्रॉड होते देखा है। यहाँ तक कि मैंने देखा है एक एक भाई का माल मंगाया, दुकान पे पहुंचा, दुकान वाला बोला ये अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ बैठो, वो 5 मिनट बाद कभी आए नहीं, शटर गिरा के अपना निकल लिया, उसके बाद वो आदमी चक्कर लगाता रहा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे इतने इतने सारे एग्जाम्पल है मेरे साथ, तो इसलिए मैं वहां देख रहा था। जब मेरे पास 1800 का ऑर्डर आया तो मेरा पूरा का पूरा 2 लाख का अमाउंट था, प्रॉफिट की बात करूँ तो 10 रुपये था, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट था और अमाउंट जो है मेरा 2 लाख का दाव पे लगा था। तो मैंने इसमें समझदारी नहीं समझी, मैंने उसको बोला भाई अगर आपको लेना है तो आप शास्त्री पार्क बस पे आइए, वहाँ पे माल मिल जाएगा, बस वहाँ चेक करिए, सब कुछ कीजिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो आप ले जाएं। जो नए लोग होते हैं वो एकदम से कूद कूद पड़ते हैं कि बोले बस मजा आ गया, लॉटरी लग गई। लॉटरी के साथ साथ ये तो देखो, अगर नहीं लगी तो तुम कहाँ जाओगे, इतनी पीछे जाएंगे कि मार्केट में कोई आपको नहीं पहचानेगा, आपके घर वाले आपको निकाल देगा, बिल्कुल मामला जीरो, ऐसा बहुत होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी भाई स्टार्टअप करता है या स्टार्ट करता है, स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट से ही बात बनेगी, तो आप स्टार्ट करें। लेकिन आप एक्साइटेड ना हो, चाहे पहले ही सोच के रखें कि आपको छोटी अमाउंट छोटे लोगों से डील करनी है, छोटे तरीके से डील करनी है, किसी को 25 गड्डी दे दी, किसी को 20 दे दी, क्योंकि आप अपनी कीमत धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये एक ट्रस्ट वाला बिजनेस है। तो आपको जिस दुकानदार पर ट्रस्ट बन जाएगा, आपको लगेगा पेमेंट बराबर आ रहा है जा रहा है उसके साथ, क्योंकि ये होलसेल मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों ऐसे हैं जो उधार पर टिके हैं। इसमें मैंने देखा है एक भी बंदा नकद में काम नहीं करता, मैं भी इतना बच के चलता हूँ, फिर भी जिस दुकान वाले से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा अमाउंट फंसा हुआ है। फंसा हुआ तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं पहले ही कैलकुलेट करके रखा हूँ, किसी को 5 है, किसी पे 10 है, किसी पे 20 है, किसी पे 25 है, इससे ऊपर मैं नहीं जाने देता। वो भी डिपेंड करता है कि एक जगह नहीं 10 जगह है, उस केस में अगर मैं डिसीजन ले लेता, माल चला जाता, फंस जाता या कुछ भी हो जाता तो मैं बिल्कुल ख़त्म था। तो इसलिए आपको ध्यान रखिए रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है। रिस्क तो मेरा 2 लाख का था, प्रॉफिट मेरा इतना सा था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए बिजनेस कीजिए। सेटअप कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, सेटअप कॉस्ट बिल्कुल आसान है, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत टिपिकल है। तो उसको समझने के लिए कोई भी सवाल है, कोई भी है आंसर है, तो मेरे से बात कीजिए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।